डिप्टी सीएम अरुण साव ने 21 क्विंटल धान खरीदी सहित घोषणा पत्र के अन्य वादों पर कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता ने भाजपा को ऐतिहासिक बहुमत दिया है। जनता के सामने हमने मोदी की गारंटी प्रस्तुत की थी, एक एक वादे को सअक्षर हम पूरा करेंगे। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि पीएम आवास देने की स्वीकृति हमने कैबिनेट की पहली बैठक में पूरी की। 2 साल का पुराना बोनस देने का वादा किया था, उसे भी 25 दिसंबर को किसानों के खाते में डालने का काम करेंगे। मोदी की गारंटी में एक कंप्लीट रोड मैप हमने दिया है, उसे पूरा हम करेंगे। श्री साव ने यह भी कहा कि 5 साल में बस्तर से लेकर छत्तीसगढ़ का हर एक व्यक्ति इस बात को जान गया है कि कांग्रेस की नक्सलियों से साठ गांठ रही है। दल चाहे कांग्रेस हो, टीएमसी हो, अन्य दल, मोदी विरोध के चक्कर में मोदी जी से मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। और मोदी विरोध के चक्कर में देश के संवैधानिक संस्था और संविधान के विपरीत भी आचरण करने से ये चूक नहीं रहे हैं, देश कभी इन्हें माफ नहीं करेगा। एक ऐतिहासिक बहुमत भारतीय जनता पार्टी को दिया है, हमने जनता के सामने मोदी की गारंटी प्रस्तुत की थी और एक एक वायदे को अक्षरशः पूरा करेंगे। हमारी सरकार के कैबिनेट की पहली बैठक में 18 लाख परिवारों के सपनों को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री आवास देने की स्वीकृति पहली कैबिनेट में प्रदान की। और अब जो वायदा था हमारा, 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदेंगे, एक एकड़ में 21 क्विंटल धान की खरीदी होगी, वो वायदा भी हम पूरा करेंगे। 2 साल का पुराना बोनस देने का वायदा हमने किया था, उसे भी 25 दिसंबर छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर किसानों के खाते में डालने का काम करेंगे। छत्तीसगढ़ खुशहाल बने, समृद्ध बने, छत्तीसगढ़ भ्रष्टाचार मुक्त बने, अपराध मुक्त बने, इसके लिए मोदी की गारंटी में हमने कंप्लीट एक रोड मैप दिया है, उसे पूरा करेंगे। छत्तीसगढ़ खुशहाल बने, समृद्ध बने, विकसित बने, इसके लिए हमारी सरकार पूरी ताकत से काम करेगी। 22 तारीख को